सुनो भैया, अगले मंथ ना शादी है मेरी, मेरे कजन की, मेरी बहन की, मेरी मतलब है शादी। और मेरे को क्या करना है, मेरे को लूज करना है 10 किलो 15 किलो, वो सब छोड़ो, मेरे को 2 महीने बाद शादी है, 2 महीने बाद फंक्शन है, मेरे को भैया क्या करना है, बॉडी फिट करनी है अपनी। भाई पहली बात तो अब तक तुम्हें सोना नहीं चाहिए था, पहले ही आ जाना चाहिए था। दूसरी बात, क्या 1 महीने में फिजिक बनाई जा सकती है? अगर बनाई जा सकती है तो कोई सीधा तरीका नहीं होगा उसका, बहुत पंगे होंगे और वो पंगे पूरी उम्र तक रहेंगे। और अगर हेल्दियर तरीका देखा जाए तो पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फिजिक को डिजायर, मतलब आपकी कौन सी है, और उस हिसाब से आपके पास टाइम कितना है और कैसी आप ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन इसका सीधा जवाब अगर मैं बोलूं, आइडियली इसका जवाब बोलूं, तो नहीं है इसका जवाब, क्योंकि आप लोग खराब करते हैं बॉडी को 4 साल में 5 साल में, और आपको बनानी है 1 महीने में। मैं नहीं कह रहा हूं कि 4 से 5 साल ही लगेंगे अब आपको बॉडी बनाने के लिए, लेकिन कम से कम एक एक पर्टिकुलर टाइम तो सोच के चलो, 5 महीने 6 महीने 1 साल, डे बाय डे ही बॉडी चेंज होती है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बॉडी को समझने में, बॉडी को जानने में, वर्कआउट के पोस्चर बनने में 1 महीना लग जाता है भाई। और आपको चाहिए कि 1 महीने में बॉडी बन जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको, इतना मुश्किल नहीं था जो मैंने समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, और उन लोगों को तो जरूर दिखा दो ये वीडियो जिनको लगता है कि महीनों के हिसाब से बॉडी बना दो। आजकल कुछ बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि मैंने 26 दिन में ये कर दिया, मैंने 32 दिन में ये कर दिया। देखो भाई, वो उनके लिए ठीक है, उनकी अलग बॉडी है, उनका अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन आप बिगिनर हो, और आप अगर थोड़े से एडवांस हो भी गए हो तो भी ये चीज़ समझो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।